आप उस लड़की को पहले से जानते थे ना? शान को लड़की सोनागाछी से है ना? क्या कनेक्शन है आपका सोनागाछी से? भला आप कैसे जानते हैं उस लड़की को? शान, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। हम आपसे कुछ पूछ शान, इसका माता तो तप रहा है। चोरी कर रही है लड़की, ऐसा सोचना भी मत, छूना भी मत उसे, बहुत महंगा है। तेरे जैसी सोनागाछी में रहने वाली लड़कियों को ऐसे खिलौने देखने को भी नहीं मिलते। ये तो गाड़ी नहीं है, यहाँ क्यों रुका है गाड़ी? गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी, यहीं उतर जा। यहाँ थोड़ा आगे ही है तेरी बाड़ी, जा खुद चली जा। हमारे साहब मजूमदार जी की गाड़ी तेरी सोनागाछी की गंदी गलियों में गई, और अगर उसे किसी ने पहचान लिया तो गाड़ी के साथ साथ हमारे साहब की इज्जत पर भी दाग लग जाएगा। दाग? कैसा दाग? वहाँ क्या खराब है? वो तू नहीं समझेगी, चल नीचे उतर जा, मुझे वापस घर भी जाना है। तूने मेरा दिल दुखाया शांतनु, पता नहीं कहाँ छोड़ दिया उन अंकल ने, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अकेले कहाँ जा रही हो बेटा? सोना, हमारे साहब मजूमदार जी की गाड़ी तेरी सोनागाछी की गंदी गलियों में गई, और अगर उसे किसी ने पहचान लिया तो गाड़ी के साथ साथ हमारे साहब की इज्जत पर दाग पड़ जाएगा। मैं भगवान जी से मिलने जा रही हूँ। भगवान से? क्यों नहीं मिल सकती भगवान जी से? आपको कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम क्यों मिलना चाहती हो उनसे? मुझे उनसे पूछना है कि मेरे बूढ़ों ने, मतलब मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया तुम्हारे दोस्त ने? वो मैं आपको क्यों बताऊं? मैं भगवान जी को ही बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मत बताओ, पर इतना तो बता दो कि तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है? आओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? नहीं जाने मुझे, बाड़ी में कोई नहीं है मेरा, मुझे सिर्फ भगवान जी से मिलने, उनके पास जाने, बस। ठीक है। क्या ठीक है? चलो चलते हैं भगवान के पास। कुछ की नहीं मिली चंदा, तुम चिंता मत करो, दरोगा ने बोला है कि वो उसे ढूंढ देगा। ड्यूटी अगर उसे नहीं ले जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बैठे बैठे कहाँ जा रहे हैं आप? बैठे बैठे पागल हो गए क्या? देखने रहे कस्टमर बैठे हुए हैं, आ गए यहाँ पे हंटर लेके, जा। ये क्या तमाशा लगा रखा है चंदा, अंदर जा। सुना नहीं तूने? ठाकुर माँ, आपने नहीं सुना? नहीं सुना? हमारे घर की सबसे छोटी बेटी गायब है। हाँ तो लिखवाइए ना, हमने उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। गायब है, तमाशा करी यहाँ पे। गायब हुई कैसे?
क्यों गायब हुई? किसकी जिम्मेदारी थी वो 6-7 साल की अनाथ बच्ची? जवाब दो। अरे जवाब दो। बाड़ी से लड़की गायब होना अपराध है, कड़ी से कड़ी सजा हो ऐसा अपराध। पली महल की ठाकुर माँ की बेटी इतनी गैर जिम्मेदार कैसे? हमें तो आपने छोटी छोटी बात के लिए चाबुक मारे, अंगारों पर चलाया, कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रखा है। सजा सबके लिए बराबर होती ना ठाकुर माँ? या फिर बाड़ी के नियम डगमगाने लगे इसलिए कि ब्यूटी इस बाड़ी की मालकिन की बेटी ठाकुर माँ की भी? अब बाड़ी की बाकी की लड़कियों की तरह उससे सजा नहीं मिलेगी? हम सबकी नजर आप पर है ठाकुर माँ, इंसाफ की दरकार है आपसे। आज अगर आप चूक गई ना तो हम सब लड़कियों की नजर से गिर जाएंगी आप। मामूनी पागलों का ये वो औरत चाबी दे रही है आपको? अरे मैं आपकी बेटी हूँ। अरे ऐसी तो 10-15 औरतें और आ जाएंगी हमारे पास, मैं आपकी औलाद हूँ। औलाद है मगर बाड़ी के नियमों से ऊपर नहीं है। चंदा की मांग तकलीफ देह से लेकिन जायज तो है। मामूनी पागलों का ही क्या, आप मुझे मारेंगी? मैं आपकी बेटी हूँ। मेरे रहते हुए बाड़ी के नियम डगमगा नहीं सकते। मेरी माँ को मेरे खिलाफ क्या है तूने कुछ की? मेरी मामूनी को उसके हाथों पिटाया तूने मुझे। तू रुक, तुझे ढूंढ कर अगर मैंने बर्बाद नहीं किया ना तो मेरा नाम ब्यूटी नहीं। नमस्कार पांडे जी। बेटे यहाँ मिलेंगे तुम्हारे भगवान। यहाँ बैठो, अब पूछो इनसे क्या पूछना है। आप क्या कर रहे हैं? मैं मूर्तिकार हूँ। भगवान ने आपको बनाया कि भगवान को आप बनाते हैं? अगर भगवान को आप बनाते हैं तो आप सबसे बड़े होंगे ना? अरे बेटा, तो भगवान वाली सारी चिट्ठियां मैं आपको लिख के दूंगी, सारी अच्छी आप मेरी पूरी करोगे ना? सेतु जानती है बेटा? सेतु ब्रिज। ब्रिज भगवान और भक्तों के बीच का ब्रिज। मैं सेतु हूँ, मैं उन्हें बनाता हूँ बेटे ताकि तुम उनकी स्थापना कर सको, उनकी पूजा कर सको, उनसे मांग सको, अपने दुख सुख और खुशियां उनके साथ बांट सको। भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? देखो इन सबको कितने अधूरे हैं, अभी तो बन रहे हैं। आदि भगवान
इच्छा पूरी कैसे करेंगे? बेटे ये देवी माँ एक महीने में तैयार हो जाएंगी दुर्गा पूजा के लिए, फिर तू जो चाहे इनसे पूछना, जो चाहे मांग लेना। चलो तुझे लेकर तेरे घर आ जा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं सोनाकाची हूँ तो आप मुझे बीच सड़क पर तो नहीं छोड़ दोगे ना? तुम सोनाकाची से हो? हाँ, वहाँ का नाम सुनते ही सब ऐसे देखती हैं कि मेरे में कीड़े पड़ गए हो। कहिए ना कि आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ देंगे? नहीं मेरी गुड़िया, वही की माटी से तो माता की मूर्ति बनती है बेटा। कोई भी जगह अच्छी बुरी या पाप पुण्यात्मा नहीं होती, मनुष्य अपने आप पर उन दोनों में से जिसे भी हावी होने देता है वो जीतेगा। वे दोनों जीतने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं, धिशुम धिशुम। उस धिशुम धिशुम में आके जीतता कौन है, पाप या पुण्य? बेटे मानव जिसे अपने मन में धारण कर ले वो ही जीतता है। चलो बेटे अब घर चलते हैं, आओ। कैसा रहा तुम्हारा गोद भराई का फंक्शन? अरे इतनी जल्दी सो गया? बहुत तेज बुखार है इसे। बुखार अचानक? क्या हुआ निवी? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? हरू, आई वांट टू नो, क्या नाम बताया था आपने? कौन से ऑर्फनेज से लेकर आए हैं शान को? कितनी बार तुम्हें बताया था वो सेंट्री से ऑर्फनेज? क्यों? नहीं कुछ नहीं, वो आप हमसे पूछ रहे थे ना कि फंक्शन कैसा रहा, तो आज फंक्शन में कुछ बहुत अजीब सा हुआ। अजीब हुआ? हाँ, कुछ डांसर गर्ल्स आई थी, उनके साथ एक 6-7 साल की बच्ची थी, वो बच्ची यहीं छूट गई। तो? जब मैंने उस बच्ची से बात की तो पता चला वो सोनाकाची से है। स्ट्रेंज, आखिर वो लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो लड़कियां सोनाकाची से थी, पापा को पता चला तो हवेली सर पर उठा लेंगे। ये भाभी भी ना इंटरेस्टिंग वक्त पर दरवाजा बंद कर दिए। ये इवेंट मैनेजर्स की खैर नहीं, सोनाकाची से लड़कियां कैसे घर पे ला सकती है वो? अगर सर को पता चल गया तो? चिंता मत करो, मैं अभी उससे बात करता हूँ। अरु, आई एम नॉट डन टॉकिंग, पहले हमें हमारी बात पूरी करने दीजिए। वो जो बच्ची यहाँ रह गई थी 6-7 साल वाली, सोनाकाची से जो थी, उसका नाम पुचकी था, और वो हमारे शान, सॉरी शांतनु की दोस्त थी। पर कैसे? हाँ अजीब बात तो है। ऑब्वियसली अजीब ही है, जब हमने उस बच्ची से पूछा अनाथालय के बारे में तो वो तो अनाथालय प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही थी। She didn't even know what it meant. तो शान और वो कहाँ मिले, कैसे दोस्त बने? अरिंदम, हम सच जानना चाहते हैं, प्लीज। आप शान, सॉरी शांतनु, आप शांतनु को अनाथालय से लाए थे या फिर सोनाकाची से? बारह साल की शादी है हमारी, और इन 12 सालों में हमने एक साथ क्या कुछ नहीं झेला। पति पत्नी नहीं, हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहे। हमारे बीच इतनी जगह ही कहाँ थी अरु,
कि कोई झूठ, कोई फरेब, कोई राज हमारे बीच में आ सके। क्यों किया ऐसा, क्यों? अरिंदम अगर इस रिश्ते की, हमारे प्यार की, इस दोस्ती की और हमारी शादी की आपकी नजर में जरा सी भी कीमत है तो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें आज सच बता दीजिए। जस्ट लुक इन टू माई आई तरू, हमें सच जानना है। बोलिए, बताइए शान कहाँ से आए हैं, बोलिए। अरू हमें सच बताइए, आज हम आपसे सच जानकर ही रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा प्लीज अरू। क्या हाँ निमी, हाँ हमारा शांतनु सोनागाछी सही है। इससे पहले तुम आगे कुछ सोचो, मेरी बात सुन तो लो। क्या सुने हम आपकी बात और क्यों सुने? How are you even going to justify this? कोलकाता की सबसे जलील और गंदी गलियों से एक बच्चा उठाकर लाते और हमारी गोद में रख देते और वो भी झूठ बोलकर। नीवी रिलैक्स, एक बार मेरी बात सुन लो। Why? क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? क्यों किया अरिंदम, ऐसा क्यों किया? हम तो कोई भी बच्चा गोद ले सकते थे ना, कहीं से भी ले सकते थे ना, किसी भी ऑर्फनेज से। फिर सोना गाछी क्यों, क्यों? हाय हाय, मार मार के पूरा बदन लाल कर दिया, कितने निशान पड़ गए। उफ। आ गई हमारी सोने का चीज, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है बेटे, जबी तो देवी माँ ने इस जगह की मिट्टी को छुड़ाया लूट लेने के लिए। पुचकी तू आ गई, कहाँ गई थी तू? अरे पुचकी तू कहाँ चली गई थी, हम सब कितना परेशान हो रहे थे तेरे लिए, ठीक है ना? लो, पूरी महाभारत खड़ी करने के बाद अब आ रही है शैतान की नानी। शैतान की नानी तो अब मैं बनूंगी, मुझे इतनी भी बेरहम नहीं थी बेटी, पर बेरहम होने पे मजबूर कर दिया इस दो टके की लड़की ने मुझे। मेरी हर एक मार का बदला ना अभी पुचकी दिखी। सोनागाछी में रहना कितना मुश्किल होता है ना, आज से पता चलेगा इस लड़की को। इन गलियों की गंदगियों का एहसास ना मैं दिलाऊंगी इसे, और ना दिलाए ना तो मेरा नाम ब्यूटी नहीं। आओ, आराम से कर। हाँ निभी, वो गंदी गलियां हैं, पर इससे शांतनु गंदा नहीं हो सकता। मैं उसे ऑर्फनेज से ही लाया था, जहां मैं उसे पहली बार मिला था, उसे और उसकी माँ चंदा से। पहली नजर में मुझे इस लड़के पर प्यार आ गया था, शांत संस्कारी। मुझे लगा कि हम इसे बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सोनागाछी से है। निवी, अगर उसकी माँ सोनागाछी से है तो इसमें शांतनु की क्या गलती है? What's his fault? What's his fault? पर यही बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इतना सब झूठ क्यों अरिंदम? I was confused भी कि शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, कि शायद तुम सच्चाई जानकर तुम्हें उस पर प्यार ना आए, इसलिए झूठ नहीं आधा सच कहा था तुमसे। मैं डर गया था। डर गया तो झूठ बोलेगा बड़ी माँ? भगवान जी पनिश करेंगे शांतनु को, देखना। पता नहीं शांतनु ने ऐसा क्यों किया, वो बदल गया है बड़ी माँ। नहीं बेटा, वो बदला नहीं, मजबूर होगा। मुझसे किए हुए वादे में बंधा हुआ है वो। और मुझसे क्या बंधा, उसका क्या? आप रहने दो, आप हमेशा उसके साइड लेती हूँ, उसने वादा तोड़ा तो भी कुछ सिखा, आप सब उसकी टीम में, मैं अकेली हूँ। नहीं पुचकी, ऐसे नहीं बोलते, बड़ी माँ है ना तेरे साथ, तेरे साथ थी और हमेशा रहेगी। हाँ क्या फर्क पड़ता है कि शांतनु के नए परिवार को ये पता लगे कि वो सोने का जैसा है? तुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा, पर लोगों को फर्क पड़ता है। पड़ता ही होगा, तभी तो ड्राइवर का बच्चा मुझे रास्ते में छोड़ के चले गया, तभी तो हवेली में उन्होंने अपने नई माँ के सामने मुझे नहीं बचाना।
दुक्का रे दुक्का, तो मतलब चंदा का बेटा उस मजुमदार के घर में, उस बड़ी हवेली में जहाँ हम लोग नाचने गाने गए थे। शाबाश चंदा, क्या हाथ मारा। तब भी मैं सोचूं कि तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मतलब तेरा चूजा वहाँ महलों में राज कर और मेरे हिस्से में मामूनी की चाबुक। बड़ी नाइंसाफी है चंदा। तू पूछिए शांत, अगर तुम तीनों की हेकड़ी मैंने सीधी नहीं करी ना, तो मेरा नाम ब्यूटी नहीं, वो क्या है ना, इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी।